हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है आशीष कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2018 प्राइमरी के मैथ के पेपर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे सीरीज बी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपके मैथ से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों आज हम उनका सोल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, संलग्न चित्र में पी ए क्यू वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श करती है, मतलब पी ए क्यू वृत्त के ए बिंदु पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि सी ए क्यू बराबर 70, मतलब ये वाला हमारे रखा है, सी ए क्यू हमारे रखा है 70 और ए बी सी हमें ज्ञात करना है, मतलब ए बी सी ए बी सी हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल है कि ये वाला जो कोण होता है वो हमेशा इस कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब कोण सी ए क्यू वो इक्वल टू होगा आपके 70 बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, अब कोण डी और बी सम्मुख कोण है, तो चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि उसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, मतलब 70 प्लस एक्स बराबर आएगा 180। तो कहने का मतलब अगर x का मान निकालूं तो 180 माइनस 70 बराबर आएगा 110 अंश। कहने का मतलब कोण ए बी सी जो हमने x माना था वो निकला 110 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है इसमें। तो सिंपल इसका दोस्तों होता है कि हम पहले लाभ निकालेंगे, तो 8 में से 6 मतलब 2 लाभ निकलेगा, हमारा लाभ निकलेगा। और क्या करेंगे इसमें 2/6 मतलब विक्रय मूल्य की जो है उसके बराबर इंटू 100। तो 2 से कटेगा ये 6 3 बार, तो आया आपका 1/3 इंटू 100। अगर 3 का भाग मैं 100 में दूंगा तो आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सम फर्स्ट ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? ठीक है, तो हम देखेंगे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का पॉइंट में मतलब दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो मैंने चेंज किया, 3/5 को दशमलव में चेंज करेंगे तो आएगा 0.6। ठीक है, और 4/5 को चेंज करेंगे तो आएगा 0.8। तो हमें जो संख्या देखनी है वो देखनी है पॉइंट और 0.8, मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में ना हो। ठीक है, तो अब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हम उनको भी पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। तो पहला है आपका 7/10, तो 7/10 मैंने चेंज किया तो आएगा 0.7। तो आप देख सकते हैं 0.7 जो है 0.6 और 0.8 के बीच में आता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, मतलब पहला वाला गलत। सेकंड दे रखा है 19/30, तो 19/30 को मैंने पॉइंट में चेंज किया तो आया 6.63, तो ये भी 0.6 के बाद आता है। ठीक है, और 0.8 के बीच में आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2/3 को जब चेंज करेंगे तो आएगा 6.66, मतलब चलता रहेगा, तो ये भी 0.6 और 0.8 के बीच में आता है, तो ये भी गलत। अब लास्ट रह गया आपका 16/30, इसको मैंने पॉइंट में चेंज किया तो आएगा 0.53, तो 0.53 दे सकते हैं आप, 6 से छोटी सी छोटी संख्या है, तो मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आती, तो ऑप्शन हमारा यही सही है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है कि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपए तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपए है, 68 रुपए है, तो 24 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेता हूं मैं कि पेन का मूल्य x है और पेंसिल का मूल्य y है और रबर का मूल्य z है। तो सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 92 हो जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण मान लिया। अब दूसरे में हमें कह रहा है कि 8 पेंसिल, पेंसिल को क्या माना मैंने बाई, ठीक है, और 16 रबर, रबर को माना मैंने जेड, तो 8 बाई हो जाएगा प्लस 16 जेड हो जाएगा इक्वल टू 68। यहां से मैं 4 कॉमन लूंगा। अब मैंने 4 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि मुझे 2y प्लस 4z बनाना है, तो 4 कॉमन लूंगा, 2y प्लस 4z आपका बन जाएगा। तो यहां से 2y प्लस 4z का मान अगर 4 कॉमन लिया इसके डिवाइड में जाएगा तो 4 से 68 कटेगा 17 बार। ठीक है,
तो 17 बार ये कटा तो यहां से मुझे समीकरण मिल गया। अब इसका जो मान है 2y प्लस 4z का मान समीकरण एक में, मतलब ये देख सकते हैं आप 2y प्लस 4z, यहां 17 मान रख दिया तो 3x आपका था ही और ये आ गया 17, ठीक है, इजकल टू 92। 17 में 75 करके घटा दूंगा तो बचेगा 3x बराबर 75। तो x का मान निकाला माना तो 3 का भाग देंगे इसमें आएगा 25। अब क्या पूछ रहा है, 24 पेनों का मूल्य पूछ रहा है, तो एक पेन का मूल्य कितना है आपका 25 रुपए, तो 24 में का पेन का निकालेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई जब मैंने 24 में किया तो आया 600 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 95 हमें दे रखा है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया हो, ठीक है, तो हमें दिया हो तो केवल तीन कोण दिए रखे हैं, तो तीन कोण दे रखे होंगे, तो तीन कोण जब दे रखे होंगे तो एक कोण दो कोण, एक कोण दो कोण तीन कोण, तो ये तो बन जाएगा दो कोण एक भुजा, तो दो कोण एक भुजा दे रखी है, मतलब एक भुजा एक कोण ये और एक कोण ये, तो दोनों भी बन जाएगा आपका, तीनों भुजा दे रखी है तो एक भुजा दो भुजा तीनों भुजा, तो ये भी तीनों भुजाएं आपकी, ये भी सही है आपका। अब दो भुजा और इनका मध्य का कोण, अब दो भुजा मतलब एक भुजा ये और एक भुजा ये और ये कोण दे रखा, तो क्या त्रिभुज बन रहा है, ये नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, मतलब लंबाई में 50% बढ़ा दिया जा रहा है और चौड़ाई में आपको 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, हम लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर एक्स और चौड़ाई बराबर वाई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सेकंड, अब चलते हैं केस सेकंड पर, जो केस सेकंड है आपका, अब लंबाई को कितना बढ़ा देते हैं 50%, तो टोटल कितनी आएगी आपकी, मैंने पहले 50% निकाला फिर एक्स में जोड़ दिया, कितना है 3x/2, ऐसे चौड़ाई निकालेंगे तो इसका कितना 20% बढ़ रही है, तो 20% निकाला मैंने फिर बाई में जोड़ दिया 6y/5। तो अब नया क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई नहीं मिली तो नया क्षेत्रफल कितना आएगा आपका 9x/5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब वृद्धि कितनी हुई, इस वाले क्षेत्रफल में से मैंने ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया, कहने का 9x/5 माइनस x/1 मैंने घटाया, तो कितना आया आपका, यह आएगा 4/5, ठीक है, एक्स वाई आएगा लेकिन वो क्षेत्रफल तो उतना ही गुना हो गया, कितना 4/5 गुना, ठीक है, बचेगा कितना 9xy में से 5xy दिया तो 4xy बचेगा अपॉन 5, मतलब 4/5 गुना आपका आंसर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन है आपका कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 सेल्सियस है, फारेनहाइट के पैमाने पर यह ताप होगा, तो दोस्तों ये तो नेचुरल सी चीज है कि आप पढ़ते आ रहे होंगे कि 37, जब 37 को जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में 37 होता है और फारेनहाइट में होता है 98.6 फारेनहाइट, ठीक है, ये तो है, लेकिन इसमें निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9, सी का मान कितना दे रखा है 37 लगा दिया मैंने अपॉन 5 F - 32/9, अब 35 का भाग दिया मैंने 37 में तो आया 7.4 × 9 और आया F - 32, तो यहां से मैंने जब मान निकाला मैंने मल्टीप्लाई किया 7.4 में 9 का तो आया 6.6, ठीक है, तो अब इसमें 32 में ऐड कर दूंगा, 32 ऐड किया तो आया आपका 98.6, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 98, हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + …9 का स्क्वायर = 285 हो तो 0.11 का स्क्वायर + 0.22 का स्क्वायर + दे रखा है हमें 0.99 का स्क्वायर का मान हमें निकालना है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको तोड़ लिया, मैं इसको लिख सकता हूं, मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट की जगह तो एक रखते हैं और दो संख्या बाद दो जीरो लगा तो पॉइंट हट जाता है, मतलब 11/100, तो इस सब मैंने प्रत्येक में ऐसे ही कर दिया मैंने, तो ये हो गया 11/100 का स्क्वायर + 22/100 का स्क्वायर + 99/100 का स्क्वायर। अब मैंने इसमें से 11/100 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो ये तो पूरा गया, तो 1 का स्क्वायर बचेगा, इसमें से मैं कॉमन लूंगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस ऐसे करके 9 का स्क्वायर बचेगा, इसका मान हमें पता है, इसका मान कितना आया 11/100 का, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 और 100 का करेंगे तो 10,000, ठीक है, और इसका मान कितना दे रखा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 9 का स्क्वायर का मान दे रखा है हमें 285, मैंने 285 इसमें गुणा कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 34485 अपॉन 10,000, तो
एक दो तीन चार जीरो है तो चार बिंदु दशमलव लगा दूंगा तो आएगा 3.4485। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। यदि सॉरी एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक है, 10 वर्ष में कितनी हो रही है? दुगनी। तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगनी हो जाएगी? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हम निकालेंगे माना मूलधन बराबर टैक्स। जाहिर सी बात है राशि कितनी हो रही है? दुगनी, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, समय हमें दे रखा है 2 वर्ष। ब्याज निकालेंगे तो ब्याज दर क्या होता है? मिश्रण माइनस मूलधन। तो मिश्रण में से मूलधन घटाया तो ब्याज आ गई आपकी ₹1। ठीक है, अब मैं दर निकालूंगा। दर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? होता है मूलधन सॉरी ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो कट गया यहां से आई 10%, दर निकलाई हमारी। क्या निकलाई? दर। अब केस सेकंड में मूलधन आपका वही रहता है एक्स, समय आपका हमसे पूछा है, मिश्रधन कितना हो गया? 3x। तो ब्याज कितनी हो जाएगी? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपका 3x, मूलधन आपका एक्स, तो ब्याज बची आपकी 2x। ठीक है, तो 2x बची। तो अब समय निकालेंगे तो क्या आएगा? 100 इंटू आपका ब्याज। ठीक है, ब्याज 2x लगा दी मैंने और एक्स आपका मूलधन इंटू दर लगा दी 10। तो एक्स से एक्स कैंसिल और जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में आपका मूलधन जो वो तीन गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर है 100। इसमें हमें दे रखा है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वृत्त है, ठीक है, इसमें जो अधिकतम जो क्षेत्रफल वाला जो वर्ग बनेगा उसका जो विकर्ण होगा वो उसके वृत्त के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, तो व्यास कितना दे रखा है? 80। तो मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, तो वर्ग है तो सभी भुजाएं कितनी होंगी? ए ए, तो ये ए, ये भी ए। ठीक है, अब जो समकोण त्रिभुज बनना, त्रिभुज ए बी सी कैसा है? समकोण त्रिभुज। यहां हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90° का कोण। तो ये 90° का कोण हो गया, तो इसमें मैंने क्या लगा दिया? पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो कितना हो जाएगा? एसी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग प्लस एबी का वर्ग। तो मैंने ए मान रखा है तो ए स्क्वायर, तो ये 80 का वर्ग करेंगे तो 6400 आएगा, प्लस 6400 और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। यहां तो ए स्क्वायर का मान निकालूंगा, 2 का भाग चला जाएगा 3200। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ही आपका क्षेत्रफल होगा। तो आगे आंसर आपका 3200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 101 मतलब 101। 24 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए तो एक पाई आलेख में इसका संगत कौन? ठीक है, संगत कौन मतलब कहने का मतलब 240 अंक प्राप्त किए। हम जानते हैं कि व्रत का जो कोण होता है वो होता है 360। ठीक है, तो उसमें से क्या 240 अंक जो है तो पूरे कोण को घेरेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 240 बराबर कितना आ गया? 360। तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से काटूंगा, 12 दूनी 24 और 12 किया 36, तो 2 बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब मैं इसे कितना बनाना है मुझे? 52। तो 52 बनाने के लिए इसमें कितना गुणा करूंगा मैं? 26 का, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा? मतलब इसमें करूंगा मैं 26 का मल्टीप्लाई, तो 26 का मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52 और 26 दिया होता है आपका 78। तो यही आंसर है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 102। यदि पी का पी परसेंट 36 है तो पी बराबर होगा, तो दे रखा है पी का पी परसेंट बराबर 36। तो पी का की जगह मल्टीप्लाई और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए देते हैं 100 का भाग। 100 का भाग दे दिया मैंने, 100 का गुणा हो जाएगा 36 के साथ, तो 36 हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 3600। अब पी स्क्वायर बराबर 3600, तो पी का मान निकालेंगे तो क्या लेंगे इसका? वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो पी का स्क्वायर का तो पी आएगा, 3600 का आएगा 60। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमें दे रखा है 2352 = 2x इंटू 3y इंटू 7z, तब x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड किया, गुणनखंड आए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। ठीक है, तो 2 की घात मैंने लिख दी 4, क्योंकि 2 4 बार आया मल्टीप्लाई में, 3 की 1 ही बार 3 की घात 1 लिख दी, और 7 2 बार आया 7 की घात 2। अब बराबर किसके चल रहा है? 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z।
अब मैंने तुलना कर ली, यहां पर 2 की पावर 4 है तो यहां पर 2 की पावर x है, तो x बराबर कितना मिला हमें 4, ठीक है। यहां पर 3 की पावर y है या 3 की पावर 1 है, तो y बराबर मिल गया 1। ऐसे 7 की पावर 2 और 7 की पावर z, तो z बराबर मिल गया हमें 2। हमें मान पिछले पूछा x प्लस y प्लस z, तो तीनों को जोड़ा हमने, 4 + 1 + 2 कितना आया 7, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें कह रहा है कि 100 के सम भाजकों की संख्या बताइए, तो सम भाजक कौन से होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, तो 100 के सम भाजक कितने आएंगे आपकी, 100 के सम भाजक आएंगे पहले 2 से 100 कट जाता है, 10 से भी कट जाता है, ठीक है, और आपका 20 से भी कट जाता है, 100 4 से कटता है, 50 से कटता है और 100 से कटता है, इसके अलावा कोई ऐसा संभाजक नहीं है जिससे 100 और कट जाए, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आपका 6 सही है। कौन सा ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 105, जिसमें हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, तो इस घन के आयतन में अगर छोटे घन के आयतन का भाग दे दें तो हमारी संख्या निकल आएगी। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, ठीक है, तो भुजा की घात मतलब 15 का क्यूब / 3 का क्यूब, तो 15 का क्यूब कितना आता है, 3375/27, इसका भाग दिया तो कितना है 125, तो इतने घन इसमें काटे जा सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 106, दोस्तों में करना है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे 3 की पावर 3 में, ठीक है, 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 663, ठीक है, कितना हो गया 27 की पावर 663। अब 27 में हम 7 का भाग देते हैं तो देखते कितना शेषफल हमारा बचता है, तो 27 में मैंने 7 का भाग दिया तो बचा आपका 66, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1107 की ओर। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि n-2, मतलब कहने का मतलब कोणों, बहुभुज की कोणों का योग बराबर होता है आपका n-2 × 180, तो मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया है n-2 × 80 बराबर रख दिया 2160 के, इसे मैंने सॉल्व किया तो आपका आया n-2 = 12, और 12 में जब 2 जोड़ा मतलब पक्षांतर किया तो जो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी रुद्र आवाज पूर्णांक है, सबसे छोटा आवाज जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 ही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109, ठीक है, इसमें दे रखा है 1 सही 1/2 + 11 सही 1/2 + 111 सही 1/2 + 1111 सही 1/2 बराबर है, तो सिंपल इसका करने का तरीका ये है कि आप जितने भी सही बटे में दे रखे हैं उसे एक कोष्टक में जोड़कर लिख लें, और जितने भी आपके आगे दी गई संख्या उनको अलग जोड़कर रख लें, तो मैंने 1 + 11 + सब जितने भी 1/2 1/2 1/2 4 बार ऐसे मैंने जोड़ लिया, इसका जो योग आया वो आया 1234, इसका जो योग आया वो आया 2, तो इनको ऐड किया तो 1236, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सेकंड सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 110, यदि सभी प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a*b, तो a*b का मान कितना रहेगा, a²+b²-ab, मतलब दोनों का स्क्वायर होना, एड होना है, और उसमें से ए बी का गुणा घट जाना है, ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है 9*10 का, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, मतलब a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर - 9 × 10, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और 9 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो आया 90, तो ठीक है, तो अब मैंने 81 को 100 में जोड़ा तो 180, तो x²+xy+y², तो दोस्तों ये शून्यत्र मतलब शून्य से बड़ी है, धनात्मक संख्या होंगी, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि पूरी पूरी धनात्मक संख्या है, तो ऐसा आंसर जो आएगा वो आएगा हमेशा धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112, हमने रखा है संलग्न चित्र में स्टार के स्थान पर संख्या होगी, तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप 3 और 4 कितना होता है 7, और 6 और 1 कितना होता है 7, 3 और 5 सॉरी 2 और 3 कितना होता है 5, और 4 और 1 कितना होता है 5,
ऐसे सात और आठ कितना होता है 15 और नौ छह कितना होता है 15। ऐसे ही आपका यहाँ पर 6 और 5 कितना होता है 11 और 7 और 4 कितना होता है 11। तो हमारा 11 आंसर ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है 13 चलते हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या ए और बी के लिए ए की पावर बी बराबर 125 है तो बी की पावर ए है, ठीक है। तो हमें दे रखा है 125 की पावर को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है। तो ये अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा 5 की घात 3, ए की पावर बी कितना हो जाएगा 5 की घात 3। तो यहां से हम तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना मिला 5 और बी बराबर मिला 3, मतलब ए बराबर 5 मिल गया और बी बराबर मिल गया 3। अब हमें क्या निकालना है, उल्टा बी की पावर ए निकालना, 3 की पावर कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर आया 243। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या जब पूछी जाती है तो उसका निकलता है लासा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं तो 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक, तो मैंने उसका एलसीएम निकाल दिया। 2, 4, 1 की तो गिनती होगी नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, ठीक है। तो इसका जो मैंने एलसीएम निकाला तो वो आया आपका 2520। तो यही आंसर है इसका 2520, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। हमें दे रखा है कि यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। जैसे होता है 61 दिन है तो 7 का भाग देंगे हफ्ते के हिसाब से, क्योंकि हफ्ता निकालेंगे, क्योंकि 4/8 को शुक्रवार है तो 7 जोड़ेंगे तो 11 तारीख को भी शुक्रवार होगा, तो मतलब एक हफ्ते बाद ये पूरा दिन रिपीट होगा। तो मैंने हफ्ता निकाला तो कितना है 8 सप्ताह 5 दिन निकलेगा आपके, तो ठीक है। तो 5 दिन कहने का मतलब शुक्रवार में अगर 5 दिन और जोड़ दें तो आपका दिन आ जाएगा 61 दिन बाद, तो वो निकलता है आपका बुधवार। तो आंसर कौन सा सही है, आपका थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 116। तो दोस्तों हमें दे रखा है दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, मतलब ए बी समांतर है आपकी सी डी के, ठीक है। तब बाई अंश माइनस एक्स अंश का मान है, तो बाई माइनस एक्स, तो पहले हमें बाई निकालना है, फिर हमें एक्स निकालना है, ए वाला एक्स, ठीक है, ये निकालना है, तब हम देखेंगे कि कितना आएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि 110 है तो ये भी 110 होगा, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो इसको 180 में से 110 घटाएंगे तो बाई बराबर निकलेगा आपका 70 अंश, ठीक है। इसी तरीके से हम जानते हैं ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से कहते हैं जब दो रेखाएं इस तरीके से काटती तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो अब इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 अंश, तो ये तो x बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 180 में से 120 घटाऊं कितना आएगा 60। तो अब मुझे निकालना है बाई माइनस एक्स, तो बाई कितना है 70 है और x कितना है आपका 60 है, तो कितना आया आंसर 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। तो दोस्तों यह है आपका क्वेश्चन नंबर 117। देखा यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बस इस टाइप के क्वेश्चन सीधे निकालने के लिए क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य अपॉन 100+ लाभ% × 100। अगर यहां पर हानि होती है तो यहां माइनस कर देते हैं हानि, ठीक है, हानि प्रतिशत को, ठीक है। तो यहां लाभ हो रहा है तो मैंने ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला बनाया आपका विक्रय मूल्य कितना है 390 रुपए, 100 तो है ही आपका, लाभ प्रतिशत कितना है आपका 20 × 100। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो आंसर आया आपका 325। कर सकते हैं 0 से 0 और 3 से काटेंगे इसे, 3 × 4 = 12 और इसे काटेंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ठीक है 0। तो काट फिर कितना आएगा 325, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत ज्ञातना, प्रतिशत में निकालना है वृद्धि। तो जाहिर सी बात है पहले हम वृद्धि, जितनी वृद्धि हुई उसको निकालेंगे, तो वृद्धि कितनी हुई 65,000 में 60,000 घटाया तो बचा 5,000, 5,000 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, जितनी वृद्धि होती है वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या, मतलब 60,000 × 100। तो 0 से 0 कटा आपका बचा
50/6 मतलब जैसे देखता हूँ 25/3 और 3 का मैं इसमें भाग दूंगा तो आएगा 8 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119। दोस्तों चार व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कार्य को हम नीचे रखते हैं बाकी सबको ऊपर रख देते हैं मतलब T1 A1 इस करके। तो कहने का मतलब 40 व्यक्ति हैं 30 दिन खाते हैं तो कार्य कितना काम हो रहा है 200 को नीचे रखेंगे बराबर होगा तो दिन तो हमसे पूछ रहा है और कितने दिन 30 व्यक्ति हैं और 500 किलोग्राम जब इसको हम काटेंगे तो दिन निकालने हैं तो आएगा आपका 200/2 और मतलब 2 का भाग दूंगा 200 में तो 100 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलते हैं लास्ट। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा है तो भुजा दोस्तों इस टाइप का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट में D1² + D2² अब D1 क्या है आपका विकर्ण पहला और ये दूसरा विकर्ण इसको सॉल्व किया D1 का मान 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आया तो 16 का होता 256 12 का होता 144 इसको ऐड किया तो आया आपका 1/2 × √400 का वर्गमूल होता है आपका 20 तो 20 से काटा 2 से काटा 20 10 बार तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस यूपी टेट में जो प्राइमरी में आपसे पूछे गए थे। ठीक है तो दोस्तों आप इन प्रश्नों से आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं और अपने जो भी आप क्वेश्चंस करके आए हैं और उनके जो आंसर हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में तो मैं और भी अच्छी तरीके से उसे समझा दूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।